किसी कंपनी का बिजनेस प्रिंटिंग कैलकुलेटर है, इसको हम ऑन करेंगे। ठीक है, ये इसका मेन स्क्रीन है, इसमें आपको डेट टाइम और बैटरी का परसेंटेज दिखेगा। ठीक है, ये 16 की का कीपैड है, 2 लाइन का डिस्प्ले है और 2 इंच का प्रिंटर है। इसमें अमाउंट क्वांटिटी से आप बिलिंग कर सकते हो, डायरेक्ट अमाउंट से बिलिंग कर सकते हो। पहले हम अमाउंट क्वांटिटी से देखेंगे, उसके लिए आपको एक नंबर बटन प्रेस करना है। अभी जैसे मैं 50 रुपये, ए मीन्स अमाउंट है, क्यू मीन्स क्वांटिटी है, और ऊपर टोटल आएगा, तो ये प्लस हो रहा है अभी। ठीक है, 50 इंटू, अगर मैं कुछ 3.5 करता हूँ, पॉइंट नेक्स्ट बटन से आता है, ये क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे टोटल आएगा। और आपको कुछ ऐड करना है तो और कर सकते हो, एंटर दबा के। ठीक है, आपको अगर माइनस करना है तो बैक बटन दबाइए, ये प्लस माइनस बैक बटन से होता है। ठीक है, यहाँ पे और एक दो वैल्यू लेता हूँ मैं। अभी आपको चेंज करना है या एडिट करना है कुछ वैल्यू, तो आपको नेक्स्ट बटन दबाना है। आप चेक कर सकते हो आपने कितना वैल्यू सिलेक्ट किया हुआ है। तो ठीक है, इस तरीके से, और चेंज कुछ करना रहा तो एंटर कीजिए, चेंज कर दीजिए, एंटर फिर से। ठीक है, ये एडिट हो गया, इसको एग्जिट करेंगे, प्रिंट बटन दबाएंगे तो ये टोटल दिखाएगा एक बार, और प्रिंट करेंगे, इस तरीके से प्रिंट आएगा, बिल नंबर आएगा, डेट टाइम और अमाउंट क्वांटिटी, और ये टोटल आएगा यहाँ पे हमें। तो दो नंबर अमाउंट, डायरेक्ट अमाउंट से बिलिंग करना है हमें, तो 2 नंबर बटन दबाना है। ए मीन्स अमाउंट है, यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट लेता हूँ, 32 हो गया, 50 हो गया, 96, पॉइंट में चाहिए तो नेक्स्ट बटन दबाइए, 85। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो माइनस के लिए नेक्स्ट बटन, और जब प्रिंट चाहिए आपको तो प्रिंट दबा दीजिए, इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पे आप बिल नंबर आएगा, डेट टाइम, अमाउंट क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से आएगा। इसमें आप परसेंटेज डिस्काउंट में भी दे सकते हो, अमाउंट में भी दे सकते हो डिस्काउंट, और GST भी प्लस माइनस दे सकते हो। वो कैसे होता है वो देखेंगे हम। ठीक है, उसके लिए हम कुछ वैल्यू लेते हैं अभी, जैसे ये 500 लिया मैंने। ठीक है, अभी इसको पे मुझे डिस्काउंट देना है परसेंटेज में, तो 3 नंबर बटन दबाया मैंने। ठीक है, 10% डिस्काउंट देना है, तो 10 करके आपको एंटर करना है और प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 500 पे 10% डिस्काउंट आ जाएगा, 450 रुपीज़। ठीक है, उसी तरीके से अमाउंट में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें फिर से हम कुछ वैल्यू लेंगे, फिर इसको एंटर करके प्रिंट करेंगे और 4 नंबर बटन दबाएंगे। अभी रुपीज़ में भी डिस्काउंट दे सकते हो, मुझे अभी 50 रुपये डिस्काउंट देना है, 50 एंटर करके प्रिंट देना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे रुपीज़ में भी डिस्काउंट दे सकते हैं इसमें। उसी तरह GST का भी देखेंगे, ये दोनों पे होता है, अमाउंट क्वांटिटी में भी होगा और अमाउंट में भी। ठीक है, कुछ अमाउंट लेंगे, ये स्क्रीन पे आने के बाद आपको 5 नंबर बटन दबाना है, टैक्स प्लस परसेंटेज में आएगा, आपको 5% प्लस लगाना है टैक्स, 5 एंटर कीजिए और प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया टैक्स प्लस, अभी टैक्स माइनस उसी तरीके से 1000 एक वैल्यू देता हूँ, प्रिंट दबाना है, उसके बाद 6 नंबर बटन दबाइए। ठीक है, अभी प्रीवियस 5 दिया था हमने, 2% किया था, इस तरीके से टैक्स माइनस भी आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन है इसमें। इसमें और इसके अलावा क्या ऑप्शन है वो देखेंगे, उसके लिए आपको मेनू बटन प्रेस करना है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका 1234 है। ठीक है, इसमें टोटल कलेक्शन आएगा, आपका एक दिन का रिपोर्ट मिलता है इसमें। ठीक है, वो चेक करने के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो और प्रिंट भी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डे वो 0 हो जाता है, तो एक दिन का रिपोर्ट भी मिलता है आपको इस मशीन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड। ये पासवर्ड जो मैंने अभी 1234 डाला था, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद है प्रिंटर सेटिंग, इसमें आप आपके शॉप का वगैरह नाम, बिजनेस नेम डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपके लिए सैंपल के लिए कुछ तो भी दिखाता हूँ। अभी जैसे आपको N प्रेस करना है तो इसको प्रेस करके रखिए, 6 चाहिए तो 6 आने तक प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सेट कर देंगे 1 नंबर से। ठीक है, ये सैम्पल के लिए आपको ये फुटर सेटिंग है, फुटर सेटिंग मतलब नीचे प्रिंट होगा, यहाँ पर जो कुछ भी लिखोगे। अभी मैं यहाँ पर XBS कर देता हूँ,
आपके ध्यान में आ जाएगा ये कहाँ पे प्रिंट होगा। तो ऐसे 5 फुटर है, 5 लाइन लिख सकते हो आप, और हेडर में भी 5 लाइन, ठीक है। आपके बिजनेस का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद डेट टाइम सेट कर सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन में। उसके बाद नेक्स्ट है बजर सेटिंग, ये जो भी बजर का आवाज़ आ रहा है ये अगर नहीं चाहिए आपको तो डिसेबल भी कर सकते हो इसको, ये बंद हो जाएगा। अगर चाहिए तो इसको ऑन कर दो, ठीक है। ये रिसीव अमाउंट ऑप्शन है। अब जैसे किसी कस्टमर का 800 रुपये बिल होता है और वो आपको 1000 का नोट देते हैं, तो ये आपको बताएगा मशीन कि आपको 200 रुपये चेंज देना है। इसको हम ऑन करके देखते हैं, एक बिल निकाल के बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी ये 500 कर दिया मैंने अमाउंट, रिसीव अमाउंट ऑप्शन ऑन रखा था हमने। 500 में अगर कस्टमर ने आपको 1000 रुपीज़ का नोट दिया है तो ये रिसीव अमाउंट में आपको दिखाता है कि चेंज आपको 500 रुपीज़ देना है, ठीक है। और ये हेडर हो गया, ठीक है, जो हमने डाला था कि शॉप का नाम, और ये फुटर यहाँ पे प्रिंट होता है नीचे के लाइन में, ठीक है। इस तरीके से ये मशीन वर्क करता है, ठीक है। हेडर में ऊपर नाम आएगा और फुटर में भी।